अजीत कुमार चौपाल संवाद में सर आपका स्वागत करता है। सर अपना बारे में थोड़ा परिचय बताइए। जी मैं जितेंद्र कुमार अपने द एलाइट सोसाइटी का मैं चेयरमैन हूँ, ताजपुर से हूँ और ऐसे पेशे से मैं बीमा भी करता हूँ। समाज में कहीं ना कहीं मैंने बहुत करीब से देखा है इस प्रकृति का जो दोहन हुआ है हम आम लोगों के द्वारा, उससे कहीं ना इतनी भयावहता लोगों के मतलब हमारे स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इन चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है और इससे बड़ी मन हृदय बड़ा द्रवित हो रहा है। और इस चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने चाहा कि नहीं, पर्यावरण को पहले बचाने की ज़रूरत है। पर्यावरण रहेगा तभी आम जनजीवन रह पाएगा। पर्यावरण है तो हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं है, तो इसलिए पर्यावरण को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सर आज के जो कार्यशाला में आपने जो बात हमारे यहाँ के मंचासीन विद्वान से सुने, तो उसको कैसे आप अपने ज़िला में इसको माने लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं? नहीं, हम लोग तो हमारी सोसाइटी जो है, हमारी एलाइट सोसाइटी एक पहले से भी बहुत हद तक हम लोग बहुत कम स्तर पर काम करते चले जा रहे हैं, जिसमें मैं अपने ज़िले का हमारा एक आइडियल आइकॉन है मिस्टर राजेश कुमार सुमन, जो एक ट्री मैन के रूप में भी है, पूरे बिहार में प्रसिद्ध है, जैसे उस उनके ही पद चिन्हों पर कह लीजिए या फिर हमारे सोसाइटी में भी वो हैं, हमारे सोसाइटी का भी एक अंग हैं वो। हर किसी के जन्मदिन पर, विवाह में, किसी के श्राद्ध में, हर किसी भी अवसर पर पौधे गिफ्ट करना, उस पौध वृक्षारोपण कराना, मतलब अधिक से अधिक वृक्ष लग जाए, इसका हर तरह से किसी न किसी रूप में जुगाड़ करना। हम लोगों की पूरी टीम जो है, हमारी टीम हमेशा तत्पर रहती है कि कैसे और कहां पर वृक्षों की संख्या बढ़े। और हम लोग सड़क के किनारे भी, हमने अभी नीम का पेड़ का बहुत ज़्यादा वो गोला बना करके हो चाहे जैसे भी हो, ये हम लोगों ने सड़क के किनारे किनारे लगाया, स्वीट बम बना करके। हमने पीपल का पौधे पर बहुत ज़्यादा दिया, जो बरगद, हमारे बहुत सारे ऐसे हैं वृक्ष जो विलुप्त हो रहे हैं। आज लोग पीपल के का पेड़ जो है इतना उपयोगी है, इतना पर्यावरण मतलब फ्रेंडली है, वो दिन रात ऑक्सीजन देता है, लोगों को ये कहीं ना कहीं कुछ हमारे संस्कृति का जो दोहन करने वाले लोग हैं उन्होंने कभी कह दिया कि नहीं नहीं पीपल का पेड़ वह दरवाजे पे नहीं लगाया जाता है या नुकसानदेह होता है, ऐसा नहीं है, कहीं से भी नहीं है। तो आप किस प्रकार से, पहले के लोग उतना जागरूक नहीं थे, उतना शिक्षित नहीं थे, तो इस प्रकार से कहते थे, लेकिन अब तो लोग शिक्षित हो गया था, आप किस प्रकार से समाज को इससे उबारने का प्रयास कीजिएगा और मैसेज दीजिएगा कि नहीं वो हम लोग के लिए जिम्मेदायक है क्योंकि वो अधिक माने ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जी निश्चित, तो अब लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब लोगों में गांव-गांव में हमने देखा है इस वर्ष जो जल की कमी आई है, पानी के लिए लोग हाहाकार मचा हुआ था हर जगह पर, गांव कस्बे में लोगों ने जब देखा कि पानी की जो स्थिति हुआ है आया है तो किस कारण से हुआ है, लोगों को यह समझाया गया कि आप पेड़ लगाओ, तो लोगों ने हर जगह पर पेड़ लगाने की धुन मची हुई है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सरकारी तंत्र पर भी एक प्रहार जरूर करना चाहूँगा। आज भले ही हमारा विकास हो रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा है कि बहुत जगह पर हाईवे बन रहे हैं, वहाँ पर ग्रास कटिंग का जो लोग एकदम उस बृहद पैमाने पर किया जा रहा है और इतने ज़्यादा पैमाने पर किया जा रहा है कि लोगों ने अब उस जगह पर वो उस सरकार को या संबंधित ठेकेदार या संबंधित वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को चाहिए कि वह भी उससे ये लेकर के कम से कम उतना जितना वृक्ष की कटाई हुई, जितने पौधे की कटाई हुई, उससे ज़्यादा उसको अगल बगल में भी दूसरी जगह लेकर उसका विकल्प तलाशना चाहिए। सड़क के दोनों किनारे प्लांटेशन की माने व्यवस्था होनी चाहिए। और आज देखिए इतना माने स्थिति खराब हो गई है, पर्यावरण इतना वृक्ष की अंधाधुंध कटाई हो गई है कि इसको सरकार को योजना में लाना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही माने दुखद बात है कि इतना वृक्ष की कटाई हुई है। तो उसके लिए हम लोग हमारे भविष्य में आने वाले जो हमारे युवा साथी हैं उन लोग से अपील करेंगे। और क्या आप अपील करना चाहिए उस युवा साथी से कि आने वाला वातावरण हमारा शुद्ध रहे और पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है उसे निजात पा सके? हर युवा
बड़े बुजुर्ग हर लोगों को जिस समय भी जहाँ भी जिस जगह भी उन्हें अवसर मिले वृक्ष लगाना चाहिए, हर लोगों को लगाना चाहिए। और एक तरफ मैं सरकारी तंत्र या विभाग संबंधित विभाग को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो ऐसे ही, जैसे कि हम लोगों की संस्था भी है जो खुद कहीं से कोई फंडिंग नहीं होती है, हम लोग अपने पॉकेट से अपने दैनिक खर्चों की कटौती करके ही हम लोग इस पर इस ओर काम कर रहे हैं। अगर हम लोगों को वृक्ष या पौधे का ये संसाधन अगर सरकार की तरफ से उपलब्ध करा दिया जाए, जिला अधिकारी या जिला से संबंधित वो फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह होते हैं उनके द्वारा उपलब्ध करा दिया, तो हम लोग एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। निश्चित रूप से सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने मुखारविंद से हमारे श्रोता को बताने का प्रयास किया और जागरूक करने का प्रयास किया, और इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।